SRM टुडे, शहर की आवाज। अब खबरें विस्तार से। बीती रात्रि सीतामो की तरह से आ रहे दो पुलिस जवानों के वाहन के सामने नीलगाय आने से उनका वाहन पट्टी खा गया, जिसके कारण दोनों पुलिस जवानों को चोटें आई, जिन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। सीतामो की तरफ से आ रहे दो पुलिस अधिकारियों के वाहन के सामने नीलगाय आने से दोनों पुलिस अधिकारी घायल हो गए। ये दोनों अधिकारी बीती रात्रि अपने निजी कार्य को करके सीतामो की तरफ से आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक नीलगाय इनके वाहन के सामने आ गई और इनके द्वारा जब वाहन पर ब्रेक लगाया गया तो वाहन पलटी खा गया, जिससे इन्हें चोटें आईं, जिसमें इन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। गौरतलब है कि नीलगायों को पकड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन नीलगायों की वजह से हो रही दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। वन अधिकारी जीएल मकवाना का कहना है कि शासन की योजना के तहत पहले नीलगायों को पकड़ा गया था और गांधीसागर क्षेत्र में छोड़ा गया था। साथ ही ये भी कहना है कि पहले 27 गाय पकड़ कर छोड़ी गई थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ हजारों की संख्या में नीलगाय घूमती है और जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती है, उन हजारों नीलगायों में से वन विभाग ने सिर्फ 27 नीलगाय पकड़कर सहानुभूति कर ली। जब अधिकारी से ये बात पूछी गई कि नीलगाय की वजह से दो पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि नर मादा की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, इसीलिए वे सड़कों के बीच में आ जाते हैं और दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा एक और वन्य अधिकारी ये भी कहते हुए दिखे कि पुलिस अधिकारियों को गाड़ी देखकर चलाना चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि क्या समय रहते नीलगाय पकड़ी जाएंगी या फिर इनकी वजह से हो रही दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती रहेंगी। रेस्क्यू दल द्वारा जा रहे हैं जहां गिर जाती हूं, बाकी तो उसी सब शासन की योजना के अंतर्गत पे काम किया था जी। कुछ को ले जाके गांधीसागर छोड़ा गया है जी। है ना, और उसका प्रयास जारी है। 27 गाय छोड़ी गई। हाँ वो तो है सर, लेकिन अब क्या है कि नर मादा इनकी संख्या बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, मतलब सालाना बढ़ती जाती है। रेस्क्यू दल द्वारा जो कुएं में गिर जाती है उनको बीच बचाव के लिए जाते भी हैं हमारी पार्टी जी। और दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू दल तो ठीक है, लेकिन जो भोमा पद्धति से जो पकड़ी गई थी उसी से प्रयास कभी सफल होता हो जाता तो ठीक है। ये सीतामऊ से लौट रहे थे हमारे सब इंस्पेक्टर, एक गौरव लाड और एक और जो प्लाटून कमांडर है, दोनों साथ में निजी कार्य से गए थे। वहाँ से लौटते समय रास्ते में बताया कि कोई नीलगाय क्रॉस कर रही थी, उसी दौरान अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी पलट गई, जिससे उनको चोटें आई हैं। उनको अस्पताल में भेजा गया है, उनका इलाज चल रहा है। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।